रोहिणी कोर्ट में चलती सुनवाई के बीच जज के सामने टिल्लू ताजपुरिया गैंग के अपराधियों ने दिल्ली के बड़े गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को गोलियों से छलनी कर दिया। हरकत में आए दिल्ली स्पेशल सेल ने दोनों हमलावरों को मार गिराया। कभी जिगरे याद रहे गैंगस्टर गोगी और टिल्लू ताजपुरिया के बीच 2010 में बाहरी दिल्ली के कॉलेज छात्र संघ चुनाव से रंजिश शुरू हुई थी, जो बाद में गैंगवार में बदल गई। इस खूनी खेल में अब तक 25 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। टिल्लू ताजपुरिया गांव का रहने वाला है, जबकि जितेंद्र गोगी अलीपुर गांव का था। दोनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रद्धानंद कॉलेज के स्टूडेंट थे। दोनों की दोस्ती में जब दरार आई तो दोनों ने अपना अलग अलग गैंग बना लिया और अलग अलग रह के ही दोनों अपने गैंग को संचालित करते और अपराध करने लगे। 2018 में बुराड़ी इलाके में टिल्लू गैंग से एक गैंगवार हुआ था। इसमें 3 लोग मारे गए थे और 5 घायल हुए थे। इस गैंगवार में गोगी गैंग का नाम सामने आया था। पिछले महीने खुलासा हुआ था कि दिल्ली में इन दोनों गैंगों के बीच अदावत के चलते कई मर्डर हो चुके हैं। एक मामले में टिल्लू गैंग से पकड़े गए आरोपियों ने बताया था कि उन्होंने नितेश नाम के शख्स का मर्डर किया था। नितेश गोगी गैंग से जुड़ा था। इससे पहले पिछले साल फरवरी में गोगी गैंग के गुर्गों ने टिल्लू गैंग के एक शख्स पवन की हत्या की थी। इसका बदला लेने के लिए ही नितेश का मर्डर किया गया था। जितेंद्र गोगी 3 बार पुलिस स्टडी से फरार हो चुका है। गोगी 30 जुलाई 2016 की सुबह हरियाणा के बहादुरगढ़ में दिल्ली पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था। हरियाणा रोडवेज बस से नरवाना कोर्ट में पेशी पर ले जाते वक्त बहादुरगढ़ में 2 कारों में सवार 10 बदमाशों ने बस को ओवरटेक कर रुकवा लिया था। पहले से ही बस में बैठे कुछ बदमाशों ने पुलिस कर्मियों की आंखों में मिर्ची झोंक दी और फायर करते हुए गोगी को छुड़ाकर ले गए। गोगी पुलिस वालों के असलहे भी लूट कर ले गया था। इसके बाद गोगी अपने गुर्गों के साथ दिल्ली और हरियाणा में ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती देने लगा था। गौरतलब है कि दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर नीतू दाबोदिया 2013 में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। खुद को दिल्ली का डॉन कहने वाला नीरज बवानिया भी अब जेल में है। अब जितेंद्र गोगी भी गैंगवार में मारा गया। इसके पीछे टिल्लू ताजपुरिया गैंग को ही माना जा रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें जरूर